हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फिट एंड डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। तो अभी सबके बोर्ड्स हो चुके हैं, एडमिशन्स का टाइम चालू है, तो स्टूडेंट्स के साथ साथ पेरेंट्स का भी एक कंसर्न होता है कि जहाँ हमारा बच्चा एडमिशन लेने वाला है, क्या वो यूनिवर्सिटी हमारे बच्चे के लिए अच्छी है, वहाँ पे पढ़ाई अच्छी है या प्लेसमेंट्स अच्छी है। लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा कंसर्न पेरेंट्स का होता है कि हमारा बच्चा घर से दूर जाएगा, क्या वो यूनिवर्सिटी हमारे लिए सेफ़ है, क्या वहाँ पे ड्रग्स तो नहीं ली जाती, क्या वहाँ पे रैगिंग है या नहीं है, हॉस्टल्स कैसे हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं, ये सब सवालों का जवाब उन पेरेंट्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। और इन सब सवालों का जवाब ढूंढने हम आए हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। आइए लोगों से मिलते हैं और पूछते हैं क्या उनकी यूनिवर्सिटी इन सारे कंसर्न को दूर करती है या नहीं। So we have Siddharth with us, who is a LPU student also. So let me ask him that why do you feel that LPU is safe for the students? First of all, if you're not having identity cards, then you're not allowed to enter inside the premises. The most important thing is that inside premises after 6 p.m. every day scholar have to leave. क्योंकि हर एक 200 मीटर के बाद सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और द वुमेन गार्ड्स भी हैं जो कि गर्ल्स के लिए बहुत ही सपोर्टिव हैं और कोऑपरेटिव हैं, एज वेल एज वी कैन से दैट देयर आर कैमरा फैसिलिटीज एवरीवेयर एंड द गार्ड्स एंड पीएंस ऑल वर वेरी सपोर्टिव एंड देवर कोऑपरेटिंग विद अस एंड दे स्पीक वेरी वेल। सो देयर इज़ अ प्रॉपर बैगेज चेकेज एट द एंट्री बाय द सिक्योरिटी गार्ड्स। सो कोई भी किसी चीज़ का जो वेपन है, कोई भी जो रिस्क कर सकता है, तो वो सारे प्रोहिबिटेड हैं यहाँ पे। और अगर किसी गार्ड को लगता है कि किसी पे शक होता है, तो वो इमीडिएटली चेक करते हैं और उनको स्टॉप किया जाता है एंट्री पे ही, और उनके प्रॉपर जो डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं और जो आईडी कार्ड्स हैं वो भी चेक किए जाते हैं स्टूडेंट्स के। तो आइए कुछ और स्टूडेंट से पूछते हैं कि उनके लिए उनकी यूनिवर्सिटी क्यों सेफ है। एक्सक्यूज मी गाइस, हाँ जी, मैं हैव योर 5 मिनट्स। हाँ जी, हाँ। तो मैं वीडियो बना रहा था आपकी यूनिवर्सिटी के लिए कि आपकी यूनिवर्सिटी आपको क्यों लगता है कि सेफ है। अकॉर्डिंग टू मी, एक तो पहली बात, ये एंटी रैगिंग यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर जैसे और यूनिवर्सिटी में देखता हूँ, जैसे मैं भी पढ़ा हूँ, तो वहाँ पर मतलब ऐसे आउटसाइडर घुस जाते थे। पहली बात तो यहाँ पर कोई आउटसाइडर आता नहीं है, क्योंकि अभी मेरे को ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, यहाँ पर 6 मंथ्स ही हुए अप्रॉक्सीमेटली। तो यहाँ पर एक तो ये एंटी रैगिंग इसलिए है क्योंकि यहाँ पर किसी की भी बच्चे को मतलब तंग नहीं किया जाता है, जैसे तंग करते तो उसको 7 घर सस्पेंड कर देते हैं। तो इस वजह से मेरे को ये यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी लगी है। जे मैं गल करा पंजाब की, तो पंजाब पूरा बदनाम है कादे करके, एक नशा करके। तो ये यूनिवर्सिटी दे विच कोई भी किसी भी तरह का बंदा या कोई भी कह सकना बच्चा जाके टीचर है नशा नहीं करता है। तो ये चीज़ बड़ी वधिया है इस यूनिवर्सिटी की। तो जिमें कि मेरे ब्रदर ने दसा कि एंटी रैगिंग है, तो बहुत सेफ है एज़ कंपेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़। एक और बहुत ज़रूरी बात, अगर आप इस यूनिवर्सिटी के हॉस्टल या इस यूनिवर्सिटी के अंदर आना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपका फिंगरप्रिंट स्कैन होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई अनऑथराइज अंदर आना चाहता है तो वो अंदर आ ही नहीं सकता। एक और बहुत ज़रूरी बात कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, आपको कैसे मॉनिटर किया जाता होगा? लोग सोचते होंगे लड़ाई झगड़ा करेंगे किसी कोने में और भाग जाएंगे। तो भाई साहब, मैं आपको बता दूं कि इस यूनिवर्सिटी में 3500 से भी ज़्यादा कैमराज हैं जिनसे आपको मॉनिटर किया जाता है। तो आप कुछ भी अगर गलत सलत करेंगे तो भाई साहब आप सस्पेंड पक्का होंगे, क्योंकि चाहे वह गार्ड हो या ना हो, कैमरा ज़रूर होगा। और एक और बात, इस यूनिवर्सिटी में हर 100 मीटर के बाद आपको एक गार्ड मिलेगा। तो भाई साहब, यहाँ कुछ गलत होता ही नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो देख के, स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ देख के, आपके सारे कंसर्न्स दूर हुए होंगे और आपको क्लियर हुआ होगा कि आपको कहाँ एडमिशन लेना चाहिए। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर पूछिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, कीप लविंग, कीप शेयरिंग फिट बीट्स।